फ्रेंड गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड देखिए, हमारे साथ में भैया और फ्रेंड, आज हम दोनों लोग मिलकर फिर अगेन एक न्यू वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग कमेंट पढ़ रहे थे, आप सभी का कमेंट पढ़ रहे थे, है ना? तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट अभी के डेट में जो आया है, समझ लीजिए यूरोप जॉब्स के बारे में यही था ना। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग यही कमेंट किए हैं कि सर, गमका मेडिकल के बारे में बताइए, गमका मेडिकल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, गमका मेडिकल ऑनलाइन कैसे होता है, और गमका मेडिकल में क्या क्या चेक होता है ना, और गमका मेडिकल का चार्ज कितना लगता है, यानी कि गमका मेडिकल का फीस कितना लगता है। आपसे बता दूं फ्रेंड कि मैं जो भी आप लोग का कमेंट पढ़ता हूं, तो 20 कमेंट में एक कमेंट मेडिकल से रिलेटेड रहता है। सही बात है कि नहीं? बात है, सही बात। एक कमेंट 20 कमेंट में मेडिकल से रिलेटेड रहता है। तो सोचा हम लोग, सोचे कि क्यों ना मतलब इसी पर एक टॉपिक बना दिया जाए, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए गमका मेडिकल से रिलेटिव। तो फ्रेंड आज हम लोग दो तीन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि गमका मेडिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है ना? और इसके बाद से सेकंड जो टॉपिक है फ्रेंड, वो बात करेंगे कि गमका मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे कि गमका मेडिकल किस किस देश के लिए होता है। सही बात है ना? बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट आता है कि सर, यूरोप के लिए गमका मेडिकल होता है क्या, अफ्रीका के लिए गमका मेडिकल होता है क्या, इजराइल के लिए गमका मेडिकल होता है क्या। बहुत से लोगों का कमेंट आता है, मन में एक शंका रहता है ना भैया, मन में एक शंका रहता है। तो आज ये शंका दूर करेंगे और लास्ट आखिर में बताएंगे कि गमका मेडिकल का फीस कितना लगता है। कोई बंदा बोलता है कि 10,000 लगता है, कोई बोलता है कि 8,000 लगता है, कोई बोलता है कि 5,000 लगता है। तो फाइनली आज हम लोग मिलकर बताएंगे कि गमका मेडिकल का ओरिजिनल जो चार्ज है, मिनिमम चार्ज, वो कितना लगता है, कितना पैसा लगता है। फ्रेंड तो तीन चार टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे साथ में भैया और ऑलरेडी इनके साथ में मैं वीडियो डाला हूं, आप लोग का बहुत दुलार और प्यार मिला। तो इनके साथ में आपसे बता दूं फ्रेंड कि इनका 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है गल्फ का, यानी कि यूरोप कंट्री, रशिया कंट्री और गल्फ कंट्री का ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है गल्फ का। टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस मिला के 13वां चालू है मेरा, 13वां चालू है, ठीक है ना? फाइनल हो गया है, 13 में चालू है, ठीक है ना? तो आप लोग सोच ही रहे होंगे, जो बंदा 13 साल गल्फ में रहा है और ऑलरेडी मैं भी रहा हूँ 10-12 साल, तो मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही बनता है, समझ लीजिए कोई भी चीज़ का। ऑलरेडी मान लीजिए पाँच छः कंट्री में रह चुके हैं और पाँच छः कंपनी में भी रह चुके हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में। और यहाँ पे देख ही रहे हैं, अभी हम लोग फ्री रिक्वायरमेंट में आए हैं, एक भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगा है, फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट। तो फ्रेंड सबसे पहला यही हम बात करेंगे, पहला टॉपिक यही इसी पे बात करेंगे कि गमका मेडिकल किस किस कंट्री के लिए होता है, यानी कि कौन कौन से देश के लिए होता है। तो भैया सबसे पहले बताया जाए अपने सब्सक्राइबर लोग को कि गमका मेडिकल कहाँ कहाँ पे होता है। गमका मेडिकल जो है गल्फ के लिए ज़्यादातर होता है, यूरोप के लिए गमका मेडिकल नहीं होता है। यूरोप के लिए जो मेडिकल होता है वो एक नॉर्मल सा मेडिकल करा के लोग जाते हैं, लेकिन यूरोप में जाने के बाद वहाँ पे बहुत हार्ड मेडिकल होता है, मान के चलो गमका से भी ज़्यादा हार्ड होता है। और गमका मेडिकल जो होता है गल्फ के लिए, तो गमका मेडिकल में पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है, बहुत बारीकी से मेडिकल होता है, ठीक है ना? तो अगर जो किसी को कोई भी अगर जो अपने आप पे शंका है कि हमको इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो पहले आप गमका मेडिकल कराने से पहले एक नॉर्मल मेडिकल बाहर आप कराइए और अपना चेकअप कराइए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर खुद बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर जो है तो फिर उसका इलाज प्रॉपर करा के फिर उसके बाद में आप गमका मेडिकल कराएं। क्योंकि मेडिकल अगर एक बार हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, स्लिप मिल गया और मेडिकल करा लिए, अगर आप अनफिट हो गए, खुदा ना खास्ता भगवान भगवती की कृपा से अनफिट हो गए, तो दोबारा फिर आप वहाँ फ्लाइट नहीं हो पाएगा। सही बात है ना? एक बार अगर अनफिट हो गया जो बंदा, दोबारा उसका फ्लाइट नहीं हो पाएगा, अनफिट हो गया, चांस भी नहीं मिलता है, समझ लीजिए। क्योंकि जिसमें वो लोग अनफिट करता है, चेस्ट में या तो प्रॉब्लम रहेगा, ब्लड में या तो प्रॉब्लम रहेगा, या मतलब कोई बड़ा रोग बीमारी रहेगा, जैसे HIV है, कैंसर है, TB है, ये सब का प्रॉब्लम में ही वो लोग अनफिट करता है। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो गमका मेडिकल होता है, ठीक है ना, तो अगर जो फर्स्ट में आपको प्रॉब्लम हो आ भी जाता है, ठीक है ना, तो वो लोग थोड़ा समय के लिए चांस आपको दवा देते हैं, लेकिन अगर जो आप रिकवर कर ले गए तो बेहतर है, अगर जो नहीं कर पाए तो फिर आपका जो है वो ऑनलाइन में डाल देंगे अनफिट करके, ठीक है ना? करके फिर उस कंट्री के लिए, जहाँ के लिए भी रहेगा, हर कंट्री के लिए अलग अलग है, मतलब कि कितना साल का ये इस पर बैन रहेगा, तुम जा नहीं सकते, मेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ पे प्रॉपर आप लोग को ध्यान देना है गमका मेडिकल कराने से पहले।
और सबसे बेटर यही कि आप पहले नॉर्मल मेडिकल करा ले कि आपका डाउट जो भी रहेगा क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है फ्रेंड, ये तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको यूरोप कंट्री जाना है, अफ्रीका कंट्री जाना है या अमेरिका महाद्वीप में कोई भी कंट्री जाना है तो आपका गमका मेडिकल नहीं होगा। गमका एक तरफ से ये गल्फ का एक स्लिप है ना, सिर्फ गल्फ कंट्री यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब कंट्री में आने के लिए होता है। यानी कि अगर आपको सर्बिया जाना है, रसिया जाना है, मैकडोनिया जाना है, इटली जाना है, जर्मनी जाना है, अगर कोई भी कंट्री जाना है, अफ्रीका में सूडान, कोई भी देश जाना है अफ्रीका या यूरोप कंट्री, तो आपका गमका मेडिकल नहीं होगा, यानी गमका का स्लिप नहीं कटेगा। ये चीज़ डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, सही बात है ना। सिर्फ कतर आना है तो होगा, सऊदी आना है तो होगा, दुबई, कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सब देश के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये है कि गमका मेडिकल पे आप लोग को एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर जो किसी भी भाई का ये पांच फिंगर में से अगर जो मतलब एक यानी इतना भी अगर जो कटा है, ठीक है ना, तो फिर गमका मेडिकल में अनफिट कर देगा, अनफिट हो जाएगा। यानी कि इस चीज पे भी ध्यान देना, आपका ये पांच बराबर होना चाहिए, तो इसी पांच फिंगर आपका पैर का बराबर। एक चीज और है फ्रेंड, इसी पे भैया को हम रोक रहे हैं, इस पे हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आया था, ठीक है ना, बहुत से भाई लोग का कमेंट ही आया था, एक दो भाई लोग का कमेंट आया था पहले कि हमारा उंगली कटा है फिंगर, तो हम उनका रिप्लाई नहीं दे पाए क्योंकि हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं, लेकिन इसीलिए वो लोग पूरा पैर जूता खुलवा कर सूज खुलवा कर चेक करता है पैर का उंगली, ज्यादा कटा रहेगा तो अनफिट कर देगा, ज्यादा बोले तो एकदम से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत थोड़ा बारीकी प्रॉब्लम है, माइनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा का भी अगर जो लगा है ना पहले का तो भी चल जाएगा, तो भी चलेगा, फिंगर होना चाहिए, फिंगर होना चाहिए। अगर अलग हुआ रहेगा ये उंगली तो प्रॉब्लम है ना, सब जाकर अनफिट होगा, ठीक है फ्रेंड। जो सेकंड टॉपिक है हम बात करेंगे कि उनका मेडिकल का ऑनलाइन आप कैसे कराएंगे और ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितना लगेगा और गमका मेडिकल का पूरा जो गमका मेडिकल कराने का जो चार्ज है वो कितना लगेगा, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भैया ऑनलाइन कराने में कितना पैसा लगता है गमका? ऑनलाइन कराने के लिए 500 रुपया आपको चाहिए, ठीक है ना, 500 रुपया में आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और किसी भी सेंटर के जो मतलब इंडिया में से बहुत सेंटर है, हर स्टेट में अलग अलग सेंटर है, ठीक है, जैसे लखनऊ में है, हाँ, हर सेंटर का सेम चार्ज नहीं है, कहीं पे आपको 4,500 में भी होता है, कहीं 4,300 में भी होता है, कहीं 5,300 में होता है, कहीं 5,600 भी लगता है, 800 भी लगता है, ठीक ना, यानी 6,000 तक भी लोग ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए 6,000 से ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, नहीं 6,000 से ज्यादा नहीं लगता, 6,000 से ज्यादा नहीं लगता है। अगर कोई आपसे 10,000 रुपया मांगे, 8,000 मांगे, 7,000 मांगे तो समझ लीजिए कि वो पैसा एजेंट कमा रहा है, सही बात है ना भैया, सही बात। मैंने ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट जो चार्ज है वो समझ लीजिए कि 4 से 4.5 और 5 से 5.5 तक भी लगता है, सही बात है ना, सही बात। ये चीज है, 500 रुपया ऑनलाइन का फीस लगता है, 500 रुपया ऑनलाइन का जो कंप्यूटर से आप ऑनलाइन कराएंगे गमका के लिए वो 500 से 1,000 रुपया यही चार्ज लगेगा, ठीक है, सही बात है। तो फ्रेंड फाइनली अब हम जानेंगे कि गमका मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, क्या क्या चेकअप होता है आपका बॉडी। देखिए एकदम से ध्यान से अभी जो बोलेंगे एकदम से ध्यान से सुनिएगा और कभी भी मेडिकल कराने से पहले ये हमारी बातों को याद कर लेना और जब जाना मेडिकल कराने के लिए, इंशाल्लाह आपका मेडिकल फिट होगा। अगर जो आपका कहीं प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल मेडिकल करा के पहले आप अपना चेक करा लीजिए, ठीक है। पहली बात कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका जो है ये चेस्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे होगा, और फिर उसके बाद में आपका हाइड्रोसील चेक होगा। बहुत लोग ये अपना बवासीर भी चेक करते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो और बॉडी में आपका पांच फिंगर ये अपना हाथ का हो गया, फिंगर का ये पैर का फिंगर हो गया, ठीक है ना, तो सब वो चेक, ये सब चेक करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर चेक करेंगे। अगर जो आपका सब कुछ ठीक रहा तो आप मेडिकल में पास हैं। अगर जो मान लो आप मेडिकल कराने गए गमका, आपको खांसी आ रहा है, नॉर्मल खांसी, ठीक है ना, आपको बलगम भी बन रहा है, तो उससे घबराएं नहीं, आपका मेडिकल फिट होगा, बट नॉर्मल खांसी होना चाहिए। अगर जो आपको 3 महीना 4 महीना से पहले खांसी आ रहा है तो फिर आप जाँच करा ले पहले, फिर उसके बाद में गमका कराने जाएँ, ठीक है। हाँ, जैसे कि नॉर्मल क्या क्या बीमारी रहेगा तो उसमें गमका में चल सकता है। देखिए अगर जो आपके पास शुगर बढ़ गया है या बीपी हाई हो गया है या लो हो गया है तो इससे आपका मेडिकल अनफिट नहीं होगा, मेडिकल लेके फिट कर दिया जाएगा, लेकिन मेडिसिन पहले देंगे आपको ये रिकवर होने के लिए। अगर जो आपका रिकवर हो गया तो आपको पास कर देंगे, और ये लाजिम ये 3 चीज़ जो है रिकवर हो जाता है, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे, इसके लिए बेफिक्र रहें। और बाकी ये 3 बीमारी के सिवा अगर जो कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो उसका आप इलाज कराएं, फिर उसके बाद में बाहर के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। ऐसे फ्रेंड आपसे बता दूं फ्रेंड कि भैया जैसे कि एचआईवी है नहीं होना ये चाहिए। सब ये सब एचआईवी हुआ, टीबी हुआ, ठीक है ना,
और कैंसर हुआ, हाँ, कैंसर हुआ, ये सब बड़ी बीमारियां, बड़ी बीमारियां हैं ये सब, मतलब तो यही जांच होता है, वो लोग यही पकड़ते हैं, है ना। अब ब्लड से सब कुछ जांच हो जाता है, सब पकड़ा जाता है। हाँ, तो कभी भी ये सब चीज पे भगवान मतलब ऊपर वाला ना करे कि किसी को कुछ हो, मतलब यही सब बीमारी यहाँ पे चेक होता है। हाँ, एक चीज और बीमारी चेक होता है, HBS, जिसको हम लोग पीलिया रोग बोलते हैं, वो जिसका रहता है वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, गोल्फ में मना है। अगर जो ये रहेगा तो आपको बिल्कुल फेल कर देगा, फेल कर, दोबारा कभी भी नहीं आ सकते हैं गोल्फ में। आ सकते हैं, लेकिन आप जब रिकवर हो जाएंगे जब ही आ सकते हैं, तभी आ सकते हैं, ठीक है। अगर जो आप कभी भी, अगर जो मान लो गमका मेडिकल कराने जाते हैं, तो मेडिकल गमका कराने से पहले आप जो ये बाहर में जो अपने अपना जो फैमिली जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, उनको जो आप जाते हैं दिखाने के लिए, तो गमका मेडिकल कराने से पहले उनके पास जाएँ, संपर्क करें, ठीक है ना, और उनसे आप दो चीज़ का जाँच करा लें, दो चीज़ का, एक अपना चेस्ट का एक्सरे करा लें, और लेकिन चेस्ट का एक्सरे जो कराएंगे ना, ये कौन सी मशीन, डिजिटल मशीन, डिजिटल मशीन से कराइए, डिजिटल मशीन से कराना। अगर जो डिजिटल मशीन नहीं है तो फिर कराना ही मत, कराना ही मत, क्योंकि मेडिकल में डिजिटल मशीन से ही एक्सरा होता ये चीज ध्यान। डिजिटल मशीन एक ऐसा मशीन है कि आपके अंदर अगर जो जरा भी अगर जो दाग भी रहेगा तो भी आपको थोड़ा सा भी माइनर भी प्रॉब्लम रहेगा तो बता देगा। और दूसरा, आप ब्लड टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, ठीक है, ये दो चीज आप चेक करा लें, चेक करा, उसके बाद में आप मेडिकल, ये है कि कंफर्म आप पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये सब में निकल गए तो मेडिकल आप निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेडिसिन लेकर वो लोग सेलेक्ट कर देता है। ब्लड में देखिए कई तरह के जांच होते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी जांच होते हैं वर्षक जो है ये अपने डॉक्टर को, डॉक्टर से जानकारी लें, पूछें, तो जो है जांच कर देंगे। एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और है फ्रेंड, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप जांच कराएं तो उसका फिट का रिपोर्ट अपने साथ में लेकर जाए गमका मेडिकल जहाँ पे जाँच कराने जा रहे हैं। अगर बाई द वे अगर वो लोग अनफिट कर रहे हैं, तुरंत वो लोग वो रिपोर्ट आप दिखाएं, बोले कि भाई हम ऑलरेडी जाँच कराए थे, सही बात है कि नहीं। पहले लेकिन क्या है कि इसमें जो है पहले जो है वहाँ पे मेडिकल पे नहीं बोलने का, पहले मत बोलिएगा, नहीं बोलने का, जब अनफिट करेगा तब बोलिएगा, जब अनफिट करेगा उसके बाद में बोलिएगा, बाद में बोलिएगा, ठीक है ना। पहले बोलेंगे तो बोलेगा कि देखिए आप पहले से, ये चीज है, ठीक है, बराबर, सही बात है। तो फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा गमका मेडिकल पर। आप लोग का, बहुत से भाई लोग का कमेंट आया था फ्रेंड, आपसे बता दूं कि मैं सबका कमेंट रीडिंग करता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है ना, छोटा छोटा जो भी भाई लोग का कमेंट रहता है, तो गमका पे कमेंट आया था। और भाई लोग, आप लोगों में से कौन कौन यूपी से है, जो यूपी से है, जो मतलब है, अगर जो लखनऊ से अगर जो मेडिकल कराना चाहता है, जो भी भाई कराना चाहते हैं, सॉरी, तो कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। लखनऊ में जो मेडिकल, जितने भी मेडिकल वाले हैं, उनका क्या सिस्टम है, मैं आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेडिकल कैसे पास होना है, हम आपको वो आइडिया बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर जो आप फिट हैं तो अगर जो आप अनफिट पहले से हैं, कोई बीमारी है, तो फिर उसमें कुछ नहीं, कुछ हम कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर, ये नहीं है कि हम लोग का वो है। फिट को भी अनफिट जो लखनऊ में कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्यों किया जाता है, हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, हम लोग का अगला वीडियो पास कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जितने लोग भी हैं कमेंट करें, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।